हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे द गोल्ड वॉच शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी का जो फर्स्ट लेसन है द गोल्ड वॉच, आज हम उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लेसन की ओर। कहते हैं कि एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, अर्थात पिछली कई रातों को सनकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली कई रातों की तरह है सनकू उस रात को भी नहीं सो सका। ही टर्न एंड डोज्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर ही करवटें बदलता रहा। पिछली कई रातों को सो नहीं पाया और वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बट इट वॉज नो यूज, बल्कि इसका कोई काम भी नहीं था, कोई मतलब नहीं था इसका। द मोर ही थॉट द रॉस ही फेल्ट, जितना ज़्यादा अधिक वो सोचता था उतनी ही समस्या उसकी बढ़ती जाती थी। ही क्लोज हिज आईज एंड ले ऑन हिज टर्न मैट इन द डार्कनेस, अंधकार में हुए उसने अपनी आंखें बंद की एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इसके बाद एंड और फिर भी, येट फिर भी ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, आँखें बंद होने के बावजूद भी वो उतना ही साफ देख सकता था जितना कि दिन के समय। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, और वह सोना पड़ा हुआ दफ्तर उसने आंखें बंद की, उसको साफ साफ दिखाई देना देने लगा कि सुनसान पड़ा हुआ दफ्तर है। When every man had gone out for the rest or for lunch, वो सोचता है कि जब सभी लोग चले जाते हैं आराम करने के लिए, लंच करने के लिए, तो उस वक्त द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टियली क्लोज्ड। तो उस वक्त क्या होता है, वो ग्लास विंडो होती है जो कांच की खिड़की जो होती है वह थोड़ी सी खुली रहती है। इसके बाद ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज के एक किनारे पर इन साइड वर अ फ्यू ऑफ फैट वॉल्यूम्स, और टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। इसके बाद दैट द अदर एंड, और दूसरे कोने में एक पेन, एक बॉटल शाही की दवात, एंड सो फॉर्थ एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच दैट इट्स चैन प्लेस्ड ऑन द बुक। और उन सबके बीच में पुस्तक, शाही की दवात और एक सोने की घड़ी थी जिसकी चेन जो है सोने की बनी हुई थी, मतलब एक घड़ी थी जिसकी चेन जो है सोने की थी, और वहीं पर वो किताब के ऊपर रखी रहती थी। ओपन द विंडो, उसने सोचा कि खिड़की खोलो एंड स्केच आउट योर हैंड, अपना हाथ फैलाओ अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट, एंड यू कैन पिक अप इट अप, और तुम उसे आसानी से उठा सकते हो, ऐसा विचार उसके मस्तिष्क में आया। एवरीवन इज आर पॉर्लेंट, सभी लोग लंच के लिए गए हुए हैं, और नोबडी विल नो यू, और तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। सनकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, सनकू इसी तरह से कई सारी चीज़ों के विषय में सोचता रहा, याद आते रहे सब कार्य, इसका वर्डीज और
जो कायरता थी, पिछले कई दिनों से ये सोचता रहा, प्रयास करता रहा, परंतु उसकी कबड्डी, उसका भय और संकोच, इस वैसलेशन, उसका संकोच ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से उसके मस्तिष्क में संकोच और भय सलग रहा था उसके मस्तिष्क में। ही हैड नेवर सीन एनी वन डियर एट दैट टाइम। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई उसे उस वक्त देख ले, एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड। मतलब उसे कोई वहाँ देख भी नहीं पाया था, परंतु फिर भी वो घबरा रहा। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड ब्रीथलेस। वो कांप रहा था, उसकी सांसें तेजी से चल रहे। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एनी टाइम। यही कारण था कि वह घड़ी उठाने से हर बार रुक जाता था। यही कारण था कि वो घड़ी चुराने से क्या करता था, हर बार रुक जाया करता था। यही कारण था उसका। इसके बाद ही कुड नॉट डू टू पुट इट एनी लॉन्गर। और ये अधिक समय तक उसका ये टाल मटोल चलने वाला भी नहीं था। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि और अधिक वो सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो उसके पास और कुछ करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। ही माइट इवन ब्लैट आउट हिज टेंशन एक्सीडेंटली। और उसके बाद समस्या ये थी, संभवतः जो है उसके पास ऐसा कुछ था भी नहीं। टेंशन बढ़ती जा रही थी, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए उसने सोचा कि ही मस्ट टेक इट टुमारो, कि अब उसे कल उठा ही लिया जाए, उसको प्राप्त ही कर लिया जाए। सपोज ही डिड नॉट। तो उसको बाद यदि वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया तो तब क्या होगा, उसने सोचा। शंकु थॉट बिगैन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। शंकु जो है विचार करने लगा, लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं के विचार में, हम उन समस्याओं के बारे में वो विचार करने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। महीने का तीसरा दिन था कल। इन 3 डेज, इन 3 दिनों में ही वुड पे हिज डेब, उसे अपना कर्ज भी चुकाना था। 13 रुपीज़ फॉर 30 डेज, 13 दिन का 13 रुपये उसे चुकाना था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर। उसने एक स्टोर से, दुकान से, उसने 4.5 रुपये का कुछ खरीदा हुआ था, उसका भी वो चुकाना था। ही वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5, 8.5 रुपये उसका पहले का बैलेंस था। ही हैड रिपेयर ओनली 5 of the 10 rupees ही बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर डेथ एनिवर्सरी। अपनी माँ की बरसी के लिए घर जाने के लिए उसने फंड में से, उसने कुछ पैसा भी लिया हुआ था, उस पैसे को भी उसको चुकाना था। तो इस तरह से जो है, मतलब उसे जो है, उसने अभी 5 रुपये केवल चुकाए हुए थे, 10 रुपये लिए हुए थे, तो उसने केवल अभी उसने 5 रुपये चुकाए हुए थे। तो इस तरह से उसको काफ़ी पैसा भी चुकाना था और उसको समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे वो। इसके बाद डेथ वन, अपनी माँ की बरसी के लिए उसने पैसे लिए हुए थे, जो कि उसको वो पैसे भी चुकाने थे। तो ये विचार उसके अंदर दिन रात चल रहे थे कि आखिरकार किया तो क्या किया जाए।
अब 10 रुपये लिए थे फंड से, 5 रुपये चुकाए थे उसने। इसके बाद नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद द इंटरेस्ट, 6 पैसा और रुपये का वीक। अब उस पर जो है एक हफ्ते के जो है एक हफ्ते में 6 पैसे पर रुपए के हिसाब से, 1 रुपए में 6 पैसे ब्याज के दर पर जो है हर हफ्ते उस पर ब्याज लग रहा था। जो पैसा वो फंड से लिया था दे नहीं पा रहा था, उस पर ब्याज लग रहा था 1 रुपए पर जो है 6 पैसे ब्याज लग रहा था पर मंथ पर वीक। इसके बाद एट द टी शॉप, चाय की दुकान वाले को ही ओवर 3 रुपीज़ फॉर द 3 2 वीक, 2 हफ्तों के 3 रुपए उसको देने थे चाय वाले के दुकानदार को। और बिसाइड्स प्रीवियस ईयरियस अमाउंट आर रुपी एंड हाफ 1.5 रुपए उसके पिछले मंथ के देने थे महीने के 1.5 रुपए। द ऑड सिक्स टू अली फॉर द सर्वाइंग एक्स्ट्रा राइस, और 6 रुपए उसको जो है अली के देने थे जिसने एक्स्ट्रा राइस चावल लिया हुआ था, बीड़ी लिए हुए थे एंड अदर ऑड्स ऑफ द इंड, और भी अन्य जो सामान लिया हुआ था जो अली की दुकान से उसका सा जो 6 रुपए उसको उसका बीड़ी था वो। ऑन 1 मंथ हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, 1 रुपए का घर का किराया 3 रुपए था वो भी देना था। इन एडिशन टू दिस सम्स, इन सबको जोड़ करके ही हैड टेकन स्मॉल लोन ऑफ 20 पैसा। और इसके बाद इसी तरह से उसने इस मंथ भी उसने थोड़े थोड़े कर्ज लिए रखे थे, 20 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपल, अनेक लोगों से उसने पैसे भी ले रखे थे। और इस तरह से एंड हिज वाइफ्स हैड रिमाइंडेड हिज 2 डेज फॉर अबाउट द 1 रुपीज़ टू बी पेड टू द फूस फिश वूमैन, उसने उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया कि 2 दिनों के उसको जो है मछली बेचने वाली महिला के भी 1 रुपये उसको देना है। सनकू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट ऑफ दैट ही नीडेड, और सनकू ने मन ही मन में विचार करते हुए उस सबको जोड़ा कि उसे कितने की आवश्यकता है। इसके बाद दैट ही वॉज गोइंग टू गेट जस्ट 8.5 रुपीज़, उसे केवल मात्र 8.5 रुपये मिलने वाले थे, और वॉट ही होप्ड 22.30 रुपीज़, और उसे 22.30 रुपये 13 पैसा 13 मतलब 22 रुपये और 13 पैसे की आवश्यकता थी उसको। ही हैड अदर नीड टू, उसकी और अन्य भी आवश्यकताएं थीं। ही हैड बोरो 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने पत्नी से भी अपने 3 रुपए उधार ले रखे थे। दिस वॉज आउट ऑफ दिस सम्स ही स्लोली सेव्ड अप एंड नाउ इन ऑर्डर टू बाई द वेस्ट चेन फॉर हिज यंगर चाइल्ड, जो उसकी पत्नी ने इधर उधर से बचा करके थोड़ा बहुत कर करके उसकी पत्नी ने बचा करके अपने पुत्र की कमर की उसी मतलब शंकु की बच्चा था तो उसकी पत्नी ने सोचा था मैं अपने बच्चे के लिए कमर के लिए एक चैन खरीदूंगी, जो उसने जो है बचा बचा करके रखे थे वो भी संपूर्ण ने उसके पैसे ले लिए। इसके बाद ही हैड एश्योर्ड ये उसको आशा दिला करके कि ही वुड बाई इट, कि वो उसे खरीद देगा आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, पिछले अगले महीने उसको वो खरीद देगा, ये आश्वासन देकर के उसने उससे पैसे ले लिए थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट डे आपको विश्लेषण के बारे में बताया जाएगा।